सन 1729 में आधिकारिक पत्राचार के आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए अनिरम तिरुनाल मार्तांड वर्मा के शासन में ट्रावनकोर में अंजल सेवा शुरू हुई। असल में इसका मकसद ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों को हस्तांतरित करना था। सन 1766 तक चेरतला तक इसकी नियमित सेवा उपलब्ध थी। रामेश्वरम की यात्रा के बाद धर्मराजा ने कई सुधार किए, जिसमें सन 1784 में अंजल सेवा का पुनरुद्धार भी शामिल था। प्रेसिडेंट जॉन मंड्रो के समय में इसमें और सुधार हुआ। जब यह चालू हुआ, उस समय दस्तावेजों के साथ साथ वस्तुओं को भी इकट्ठा किया और बांटा जाता था। बाद में सन 1852 में उत्तरम तिरुनाल मार्तांड वर्मा के शासनकाल में आलपुरा में ट्रावनकोर के प्रथम अंचल डाकघर का उद्घाटन हुआ, जिसकी आधिकारिक सील के रूप में शंख का इस्तेमाल किया जाता है। समय बीतने पर शंख के प्रतीक चिन्ह वाले पोस्ट बॉक्स अलग अलग जगहों पर दिखाई देने लगे। तब तक आलपुरा ट्रावनकोर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यवसाय केंद्र बन चुका था। आलपुरा नगर की समृद्धि के कारण डाकघर एक व्यस्त स्थान बन गया। सन 1860 में आइलियम तिरुनाल के शासनकाल में दीवान माधव राव ने एक सुधार किया, जिससे डाकिये की सेवाएं कुछ घंटों के भीतर उपलब्ध हो जाती थी। सन 1872 में ट्रावनकोर में एक क्रांतिकारी रूपांतरण हुआ, जब दीवान शेषय्य शास्त्री ने सभी आधिकारिक पत्राचार के लिए कागज का इस्तेमाल करने का आदेश जारी किया। मौजूदा डाकघर का काम और बढ़ गया, जिसके लिए और अधिक डाकघरों की जरूरत महसूस हुई। इस तरह आलपुरा में अंजल सेवा, जिसकी वजह से ये सब विकास हुए थे, डाकघर के इतिहास में इसका नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया।